आज हम संगीत का महत्व एवं कार्य इसके बारे में बात करेंगे, या आप कह सकते हैं रोल एंड फंक्शन ऑफ म्यूज़िक। आज इस व्याख्यान का पहला भाग है और कल इसका हम दूसरा और अंतिम भाग पे चर्चा करेंगे। संगीत का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मानव जीवन ही क्या, संपूर्ण प्रकृति संगीत से प्रभावित है। मानव जीवन का हर पहलू हर समय संगीतमय है। केवल हर्षोल्लास के समय ही नहीं, वरन मृत्यु जैसे शोक में भी संगीत का स्थान है। जन्म से लेकर मृत्यु तक संपूर्ण जीवन संगीत से सजा संवरा रहता है। प्रत्येक समय, पर्व, परिस्थिति, स्थान के अनुसार सांगीतिक विभिन्नता होती है, पर संगीत के बिना कोई कार्य संपन्न नहीं होता। संगीत हमारे जीवन के लिए किस प्रकार उपयोगी है तथा किस तरह हमारा जीवन संगीत का ऋणी है, संगीत का महत्व अथवा उसके कार्य व उपयोगिता हम निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं। पहला, संगीत ईश्वर प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार तथा ईश्वर उपासना का सरलतम तथा प्रभावकारी साधन है। भक्ति संगीत के रूप में यह हमारा सहायक सिद्ध होता है। दूसरा, नाद साधना योग की प्रथम श्रेणी, प्राणायाम, ध्यान ये हैं। योग मोक्ष प्राप्ति तथा आत्मदर्शन का एक मार्ग है। तीसरा बिंदु, संगीत का प्रभाव भारत में इतना अधिक है कि दर्शन जैसा गूढ़ व गंभीर विषय भी अपने को संगीत से अछूता नहीं रख सकता। वेद, उपनिषद, गीता आदि काव्य रूप में होने के कारण गेय या संगीतमय हैं। इसी प्रकार कृष्ण की सांख्यकारिका, सुरेश्वराचार्य की नैष्कर्म्य सिद्धि, पंचदशी इत्यादि दर्शन ग्रंथों में राग व काव्य का अपूर्व सौंदर्य मात्र संगम है। संगीत से यह सरल तथा रोचक बनते हैं। संगीत संस्कृति का दर्पण होता है, ये चौथा बिंदु है। संगीत संस्कृति का दर्पण होता है। लोक संगीत द्वारा विभिन्न देशों की, एक ही देश के विभिन्न स्थानों की लोक संस्कृति की झांकी हम देख सकते हैं। ऐतिहासिक प्रसंग, भौगोलिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, उत्सव, त्यौहार, वहाँ के प्रचलित रीति रिवाज, सभी का दर्शन संगीत के माध्यम से किया जाता है। पांचवा बिंदु, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो 16 संस्कार होते हैं उनमें और 12 महीने के पर्व त्यौहारों में ऐसा कोई मौका नहीं होता जो संगीत की स्वर लहरी से वंचित हो। चाहे अनपढ़ हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, अथवा पिछड़ा वर्ग का हो, गांव की बस्ती हो, अथवा आदिवासी जाति हो, सब अपनी अपनी समझ व प्रयासों के अनुकूल स्वर लहरियाँ हर जगह गुंजायमान करते रहते हैं। छठवां बिंदु, संगीत का एक महत्वपूर्ण कार्य है नाटक को प्रभावशाली तथा भाव संप्रेषण में सक्षम बनाना। इस उपयोगिता के कारण ही भरत ने संगीत को नाटक की शम्या कहा है। चल रहे दृश्य में वास्तविकता लाना, उस दृश्य को स्वाभाविक रूप देना, उस अनुकूल वातावरण बनाना तथा भाव को और अधिक सशक्त करके दृश्य में सौंदर्य लाने में संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। किसी युद्ध के दृश्य में कोलाहल के साथ नगाड़े, बिगुल, तुरी आदि का वादन कर दृश्य को साकार रूप प्रदान किया जाता है। सातवां बिंदु है, संगीत का एक महत्वपूर्ण कार्य है मनोरंजन करना। चाहे इंद्र की सभा हो, वैदिक काल हो, राजा महाराजाओं का दरबार हो, मुगलों के बादशाही महल हो, इन सभी के मनोरंजन का प्रमुख साधन संगीत रहा हो। यह संगीत विविध रूपों में हो सकता है,
लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, वाद्य संगीत, विभिन्न प्रकार के नृत्य, फिल्म संगीत, अथवा पाश्चात्य संगीत। अपने रुचि के अनुसार व्यक्ति किसी से भी मनोरंजन कर सकता है। आठवां बिंदु, संगीत मनुष्य को मानसिक तनाव तथा दुख से भी छुटकारा दिलाता है। अन्य कलाएं ऐसी है कि व्यक्ति हर समय हर स्थान पर ना तो बनाकर ना देखकर उसका उपयोग कर सकता है, पर संगीत में यदि कोई गाना या नाचना जानता है तो उसका उपयोग किसी भी स्थान समय पर गुनगुनाकर कर सकता है। ना सीखा हुआ होने पर भी आदमी गुनगुनाता है, इसलिए कहा भी है गाना रोना एक हर एक को आता है। स्वयं ना गाए तो रेडियो, टेप रिकॉर्डर ऐसे साधन हैं जिनसे सुनकर किसी भी समय व स्थान पर रहकर मानसिक तनाव या दुख को भूला जा सकता है। नवा बिंदु है, संगीत मानव जीवन में स्फूर्ति पैदा करता है। परिश्रम करते समय संगीत का प्रयोग कार्य की कठिनता व श्रम को सरल बना देता है। कार्य कब और किस प्रकार बिना थकान व बिना श्रम के समाप्त हो जाता है, इसका भान कार्य समाप्ति पर ही होता है। दसवां बिंदु है, संगीत जीवन में उल्लास तथा सरसता बनाए रखता है। सीमा पर तैनात सैनिकों के चारों ओर सुनसान पहाड़ अथवा जंगल अथवा रेत के मैदान होते हैं। उनकी टुकड़ियों के अतिरिक्त वहाँ दूसरे लोगों से मिलना नहीं होता। परिवार से कटे हुए, समाज से कटे हुए, परिवार से दूर रहने वाले इन सैनिकों के जीवन में आशा, उल्लास तथा मस्ती का संचार संगीत ही करता है। रेडियो द्वारा फिल्मी गीत, स्वयं गाना नाचना, विभिन्न भाषी व प्रदेश के होने के कारण अपने अपने स्थान का संगीत सुनना सुनाना ही उनके जीवन में सरसता भरता है।